नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप अगर सिविल इंजीनियर है, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है जो आज हम आपको बताने वाले हैं, वाटर प्रेशर रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए राफ्ट फाउंडेशन बॉटम प्लेट। शायद हो सकता है कि आप पहली बार सुने हो, मतलब कि राफ्ट से जो है, राफ्ट के बॉटम से जो है एक जो है वाटर प्रेशर रिड्यूसिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक पाइप जो है जाएगा जो कि वाटर प्रेशर को रिड्यूस करेगा। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। हाँ, थोड़ा सा ये मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा तो इसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। पहले हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए दोस्तों, ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द बॉटम पार्ट ऑफ ए राफ्ट फाउंडेशन टू रिड्यूस द अपवर्ड वाटर प्रेशर ऑफ राफ्ट बॉटम और टू कंट्रोल द वाटर प्रेशर, और जो है मतलब वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है इस तरह का जो है पाइप का यूज करते हैं। एन आर्टिफिशियल ड्रेनेज बेड स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड एट द राफ्ट फाउंडेशन बॉटम प्लेट टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द इम्पैक्ट ऑफ फ्लोटिंग फोर्सेस, मतलब नीचे से जो पानी का जो फोर्स जो है, फ्लोटिंग फोर्सेस, उसको रिड्यूस करेगा। एन एक्सेसिवली लार्ज वाटर प्रेशर ऑन द राफ्ट फाउंडेशन बॉटम प्लेट विच इज लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें अगर मोटा मोटी अगर अपने भाषा में बताऊँ, संक्षिप्त में बताऊँ कि अगर जैसे क्या है कि ग्राउंड लेवल से हम लोग नीचे जो बेसमेंट बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, और वो बेसमेंट थोड़ा और ज़्यादा स्पेस के लिए जो हम थोड़ा ज़्यादा गहरा बनाते हैं, तो अगर वो ग्राउंड लेवल से 12 से 30 मीटर अगर नीचे हम जाते हैं तो पानी की लेवल जो है आ जाता है। तो उस लेवल, वाटर लेवल को जब उसके ऊपर राफ्ट फाउंडेशन करेंगे, तब जो वाटर का प्रेशर जो है ऊपर जाएगा, जिस वजह से उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है हम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये कैसे जो है काम करता है, और प्लस इसको कंस्ट्रक्शन से पहले जो है वाटर प्रेशर रिलीज पाइप कैसे देना है, वो आपको हम अभी डायग्राम के थ्रू जो है दिखाएंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस प्रेशर रिलीज पाइप को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे देना है। जब हम जो है ग्राउंड फ्लोर के लेवल से पूरा जो डिगिंग कर देंगे, गड्ढा कर देंगे राफ्ट के लिए, अब राफ्ट करने से पहले हम पहले उसको पीसीसी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये देखिए, ये आपका जो हो गया फिलर मीडिया, ये जो मटेरियल है फिलर मीडिया, मतलब क्या हुआ कि ये एग्रीगेट, अगर हम साइट की बात करें, एग्रीगेट को जो है ले लेंगे हम थोड़ा सा, वहाँ रख पीसीसी के नीचे, जहाँ से पीसीसी मेरा शुरू होना है वहाँ पर सबसे नीचे रख गड्ढा करके डाल देंगे, और उसमें जो है ये पाइप जो है लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर पीसीसी का काम, पीसीसी का वर्क जो है, पीसीसी का वर्क हो जाएगा। पीसीसी का वर्क जैसे होगा, पाइप जो आपका पूरी तरह से एकदम खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद पीसीसी होने के बाद रिइंफोर्समेंट बार बाइंडिंग करेंगे, उस तब जाकर के जो फिर आरसीसी करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो राफ्ट का एरिया में जो है, ये अगर मान ले पूरा अगर आपका ये है प्लान है एरिया में, हर एक चार चार मीटर पे जो है आप जो पूरा एरिया में जो है ये प्रेशर रिलीज पाइप इंस्टॉल कर दीजिए। और उसके बाद आपको हम बता दें, प्रेशर रिलीज पाइप जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा तो फिर जब मेरा बिल्डिंग जो है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मतलब तक पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है इस चीज़ को जो है हमें जो है प्रेशर ग्रॉट से इसको जो है बंद कर देना है, ठीक है दोस्तों। और हम आपको अभी आप दिखाएंगे
कि कैसे इशू करके जो है जब इस बिल्डिंग का लोड जो है जैसे जैसे बढ़ते जाएगा मतलब तो इशू करके आपका पानी जो है कंटिन्यू जो है निकलेगा, क्योंकि प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है तो नीचे से पानी जो ऊपर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ बता दूँ, जिस फीलिंग होने के बाद ये लगभग जो है आपका जो हो गया और राफ्ट का लेवल, और ये फीलिंग होने के बाद ये हो गया आपका बेसमेंट लेवल। बेसमेंट लेवल ये हो गया आपका राफ्ट लेवल, ये पीसीसी काम होने के बाद जो यहाँ से इसको काट करके जो है इसमें ग्रोट करके जो केमिकल ग्रोट उसको जब बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि उसको भी जानकारी मिल जाए। और ख़ास करके वहाँ जो दिख रहा है ना वो हमारा सब्सक्रिप्शन बटन, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या है ना कि हम जो है हमेशा आपके साथ बना रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है एक बेल आइकॉन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या है ना कि जब जब हम एक वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।